गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। हमने लास्ट वीडियोस में ये पढ़ लिया था गुडविल, गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल का नेचर, गुडविल की करेक्टरिटी और गुडविल के मेथड्स को पढ़ लिया था। आज हम जो गुडविल की एंट्रियाँ होगी उन एंट्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या कहती है एंट्रियाँ। एंट्रीज ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री को पढ़ते हैं। तो इसके देखो केस कितने होते हैं हमारे पास। गुडविल की एंट्री के हमारे पास चार केस है। तो पहला केस चल रहा है आपका व्हेन द न्यू पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग केस या ब्रिंग गुडविल इन केस। ध्यान देना, इस लाइन का मतलब हो गया कि जब कोई पार्टनर या पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो वह गुडविल की जो अमाउंट है वो कैश ब्रोट करेगा। या ध्यान देना आप, जो गुडविल है, गुडविल बिजनेस में क्या होगी, गुडविल बिजनेस में ब्रोट होगी और ब्रोट किसके रूप में होती है, हमेशा कैश के रूप में। यानी क्या हो रही है, बिजनेस में इन हो रही है और इन होने वाले को हमने 11th के जो आपके रूल्स थे अकाउंटिंग के उसमें पढ़ लिया था। तो इन जो भी होगा उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट में किया जाएगा। और गुडविल किसके रूप में इन हो रही है, कैश के रूप में इन हो रही है। तो देखो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब इसका नरेशन जो होगा वो, ये नरेशन का मतलब हो गया ये एंट्रियां किसके लिए लिखी है। तो नरेशन हो गया ये अमाउंट ऑफ द गुडविल, अमाउंट ऑफ द गुडविल, जो ये है आपका, ये पहली एंट्री होगी। अब ध्यान देना, जैसे ही गुडविल बिजनेस में केस ब्रोट होती है उसको ओल्ड जो पार्टनर है उसको अपने सेक्रीफाई रेशियो में क्रेडिट कर लेते हैं। क्योंकि जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो सेक्रीफाई करना पड़ता है, और जो पार्ट सेक्रीफाई किया उसके रिटर्न में ओल्ड पार्टनर को गुडविल रिसीव होती है। तो यहाँ गुडविल, जैसे ही बिजनेस में पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल ग्रोथ हुई, तो ओल्ड पार्टनर इस गुडविल के अमाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, और ये गुडविल अकाउंट जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ डेबिट में हो जाएगा ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन हो गया अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड बाय द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाई रेशियो, अमाउंट द गुडविल क्रेडिटेड इन सेक्रीफाई रेशियो बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे बिजनेस में गुडविल केस ब्रोट हुई, ओल्ड पार्टनर इसको अपने कौन से रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे, सेक्रीफाई रेशियो में क्रेडिट कर लेते हैं। तो यहाँ गुडविल जो अकाउंट होता है, जो एक बार ओपन हो जाता है, दूसरी बार क्या जाता है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो जाता है। अब हम इसके दूसरे केस के बारे में चलते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान देना, इसका दूसरा केस क्या कहता है, इसी जो लाइन एडिशनल लाइन दे रखी है इसी में कुछ और जुड़ जाएगा कि ये की लाइन वापस आ जाएगी। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग केस इन केस, ब्रिंग गुडविल इन केस एंड विथड्रो द गुडविल अमाउंट, विड्रॉन द गुडविल अमाउंट बाई ओल्ड ओल्ड पार्टनर। एक छोटी सी लाइन और जुड़ गई इसमें कि जब बिजनेस में गुडविल केस ब्रोट हो जाएगी, उस केस जो ब्रोट होगी उसको ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, विड्रॉ
कर लेंगे, यानी उसको गुडविल के अमाउंट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहली जो लाइन थी कि केस विड्रॉ केस ब्रॉट हो रही है, तो वहां तक की वही दो एंट्रियां एज इट, इससे पहले जो आपने फर्स्ट केस में जो एंट्री की थी वही एंट्री यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो देखते हैं वही एंट्री, केस नॉन डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जब नरेशन करेंगे तो नरेशन भी एजिट वो का वही नरेशन है यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे गुडविल केस ब्रॉट हुआ तो गुडविल की अमाउंट को क्या करेंगे, वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई रेशो में क्रेडिट कर लेते हैं यहाँ पे, तो एंट्री हो जाएगी इसको डेबिट कर देंगे गुडविल को, तो ये जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका भी नरेशन वो का हो जाएगा सेम ही डेबिट। अब आगे बात करते हैं इस लाइन की कि केस ब्रॉट तो हो गया, इसके बाद में क्या करा है, एंड गुडविल विड्रॉ द गुडविल अमाउंट बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के द्वारा उस गुडविल की अमाउंट को क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा इसको विड्रॉ किया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर यहाँ क्या हो जाएंगे, गुडविल की अमाउंट को रिसीव करने वाले हो जाएंगे रिसीवर, जो ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे, रिसीवर। रिसीवर और हमने पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग के रूल पढ़े थे उसमें क्या था, रिसीवर को क्या किया जाएगा यहाँ पे, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, ओल्ड पार्टनर, तो अब रिसीवर वो ओल्ड पार्टनर हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिकॉज क्योंकि जो गुडविल केस ब्रोट हुई थी तो विड्रॉ भी उसको केस के रूप में ही करेंगे, तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट द गुडविल, ठीक है, अमाउंट द गुडविल, देखो क्या कर रहे हैं ये, इसको क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो यही वापस लिख देंगे हम यहाँ पे, अमाउंट ऑफ द गुडविल विड्रॉ विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर तो यहां ध्यान देना, जब गुडविल को क्रेडिट किया तो कौन से रेशो में किया हमने, सैक्रिफाई रेशो में क्रेडिट किया, और जब गुडविल को अकाउंट को उसको कैश विड्रॉ हो जाएगा तो वो भी कौन से रेशो में होगा यहाँ पे, सैक्रिफाई रेशो में होगा, तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाई रेशो में, और गुडविल को वापस विड्रॉ करेंगे तो वो भी कौन से रेशो में, सैक्रिफाई रेशो में ही होगा। अब हम गुडविल के तीसरे केस में पढ़ते हैं, तीसरे केस में क्या एंट्री है देखते हैं, केस थर्ड क्या कहता है वही आगे पॉइंट आ रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर नॉट केस ब्रॉट नॉट गुडविल केस इन केस, या ये कर लो इसमें हम ये कह सकते हैं यहां पे कि नॉट बीइंग गुडविल इन केस, ये लाइन क्या कह रही है कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो वो बिजनेस में गुडविल के अमाउंट को केस में ब्रोट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम दूसरे नाम से ही बोल सकते हैं एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल की कौन सी एंट्री पूछ ले, एडजस्टमेंट एंट्री पूछ सकता है, तो या तो ये पॉइंट दे देगा कि जब बिजनेस से पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की अमाउंट को केस ब्रोट नहीं करता है, या फिर ये कह देगा पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल। तो यहाँ देखना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही एंट्री होगी यहाँ पे, अब वो एंट्री कौन सी होगी, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसके करंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट
टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हो गई। न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसका नरेशन है, अमाउंट ऑफ द गुडविल एडजस्टेड, अमाउंट ऑफ द गुडविल एडजस्टेड। अगर आप ये एंट्री नहीं करते हो तो दूसरी एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। दूसरी एंट्री कौन सी होती है देखना, यहाँ पे दूसरी एंट्री कौन सी होती है, दूसरी एंट्री वो होती है न्यू पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो गई न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन वो का वही हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन जो ये नरेशन है वही नरेशन हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट आ गया कि अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं तो उसको बुक्स में या अकाउंट्स में कहाँ शो करेंगे, और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो कहाँ शो किया जाएगा। ध्यान देना, अगर आप ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री करते हैं कौन सी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो तो ये जो करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया है इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखा जाएगा करंट, क्योंकि गुडविल की अमाउंट है। अब यहाँ पे क्या है कि गुडविल की अमाउंट को हमने डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो की जाएगी, बैलेंस शीट में नहीं की जाएगी, असेट्स में नहीं की जाएगी, और बैलेंस शीट में भी कहाँ होगी, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें शो हो जाएगी। अब इसकी चौथा और आखिरी केस है उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आइए फोर्थ केस क्या कहता है। यहाँ पे केस फोर्थ है, When the goodwill account appear in the books, when the goodwill account appear in the books, appear यानी पहले से क्या है यहाँ पे विद्यमान है खाता खुला हुआ है, जो गुडविल का अकाउंट है पहले से खुला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो उसकी गुडविल वो तो ग्रोथ कर रही है, उसके साथ साथ ओल्ड पार्टनर के द्वारा यहाँ गुडविल को अर्न किया गया है, तो उसे बोलेंगे अपियर गुडविल इन द बुक्स। तो जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसकी गुडविल यहाँ पे बुक्स में राइट होगी, और ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो बिजनेस में पहले से राइट गुडविल थी उसको यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी पुराने पार्टनर्स के द्वारा उसको टेकन कर लिया जाएगा। तो ये जो अपियर गुडविल है, ये जो ओल्ड पार्टनर है उसको, जो ओल्ड पार्टनर है वो उसको रिसीव कर लेंगे, तो रिसीवर यहाँ क्या कहलाएंगे, डेबिट में, तो ये हो जाएगी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट ऑफ द गुडविल रिटर्न ऑफ, यहाँ पे जो गुडविल का अकाउंट था पहले से जो अपियर गुडविल थी उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है। यहाँ पे हमने गुडविल के अकाउंट को ध्यान रखना, ये जो गुडविल थी पुराने पार्टनरों की थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी, तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स की थी तो उसको हम ओल्ड रेशियो में यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। अब इसके बाद में हम आगे एंट्रियों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है।
देखना एक एग्जांपल है, एग्जांपल को ले रहा हूं मैं। ये कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, ए और बी पार्टनर है 3:2 में है, और यहाँ ले लिया सी एडमिट हो रहा 1/4 पार्ट के लिए, सी एडमिट हो रहा 1/4 पार्ट के लिए। सी केस ब्रॉड फॉर गुडविल 20,000 एंड कैपिटल 50,000। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है, एडमिट होने के साथ साथ वो दो चीज ला रहा है, एक तो गुडविल के 20,000 ला रहा है और एक कैपिटल के 50,000 बिजनेस में केस ब्रॉट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एंट्री होगी, तो एंट्रिया कैसे होगी देखते हैं अपन। तो ये होगी केस अकाउंट डेबिट, क्या क्या लेकर आया वो, एक तो गुडविल ब्रॉट की और एक कैपिटल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी क्रेडिट हो जाएंगे। तो हो जाएगी टू कैपिटल, कौन थी सी की, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। यह हो गया इसका जो कैपिटल थी, कैपिटल हमारे पास कितनी थी 50,000 और साथ ही हमारे पास गुडविल, गुडविल की अमाउंट थी हमारे पास 20,000 और ये हो गया हमारा टोटल यहाँ पर 70,000। नरेशन क्या हो गया, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैश एंड गुडविल कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अब ध्यान देना, जैसे ही बिजनेस में गुडविल कैश ब्रॉट हुई तो वही एंट्री वापस पास हो जाएगी कि ओल्ड जो पार्टनर है उसको सेक्रीफाई रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे, तो यहाँ इसको डेबिट कर दिया जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे ए और बी, तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे तो उनका नाम यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ राइट किया हमने 20,000। अब देखना, समझने की बात ये है कि बताया था जब ये एंट्री पास करेंगे, जब एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो जो गुडविल की जो अमाउंट है ये 20,000 है, हम इसको कौन से रेशियो में क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाई रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा। तो अब हमें सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि रेशियो की कौन सी कंडीशन है या किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाएगा। तो देखना यहाँ क्या कह रहा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2 और सी आर 1/4 के लिए, और एडिशनल लाइन रेशियो के लिए कुछ भी नहीं कही, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी टेकन करेगा ए और बी से वो कौन से रेशियो से करेगा, ओल्ड रेशियो से ही करेगा, ओल्ड रेशियो से करेगा। तो ये देखी जाए तो फर्स्ट केस था जो सोल्व किया था, या फर्स्ट केस भी नहीं लो तो आप देखो कि ये कौन से रेशियो से, कौन से रेशियो से इसको टेकन करेगा, उनसे तो ओल्ड रेशियो से टेकन करेगा, तो ओल्ड रेशियो ही यहाँ क्या कहलाएंगे, सेक्रीफाई रेशियो कहलाएगा। इस पोजीशन में अगर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं बोले सेक्रीफाई रेशियो तो यहाँ पे उसको सोल्व या कैलकुलेट नहीं करना। तो ये जो ओल्ड रेशियो है ये क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो ही क्या कहलाएगा, हमारा सेक्रीफाई रेशियो कहलाएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 3:2 में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 20,000 है हमारे पास, इसको 3 × 2 / 5 = 20, तो ये आ गया हमारे पास 12,000 और 8,000। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो कल कैसे सॉल्व होंगे, देखते हैं अगला एग्जांपल क्या कहता है। ए एंड बी 1:1, ए और बी 1:1 में क्या है पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 पार्ट के लिए, सी 1/4 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है, साथ ही साथ वो कैश ब्रॉट कर रहा है, और गुडविल
और कैपिटल गुडविल के लिए वही 20,000 ले लो और यहाँ पे कैपिटल के लिए 80,000 ले लिया। अब बाद में जो एडिशनल लाइन क्या कह रही है वो एडिशनल क्या कह रहा है, सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/2 एंड फ्रॉम बी 1/8। सी रिसीव्ड फ्रॉम 1/2 एंड फ्रॉम बी 1/8, तो एडिशनल लाइन ये आ गई कि जो सी बिजनेस में एडमिट होगा और सी को सेक्रीफाई कौन कौन करेंगे, ए और बी सेक्रीफाई करेंगे। ए कैसे सेक्रीफाई करेगा 1/2 में और बी कैसे सेक्रीफाई करेगा 1/8 में। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसे सॉल्व होती है उसको हम करते हैं, तो देखते हैं इसमें ये सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकलेगा। तो पहले बताया था आपको जो कंडीशन दी हुई रहती है, जो कंडीशन है दी हुई रहेगी यहाँ फ्रॉम आएगा तो वही क्या कहता है इसका सेक्रीफाई कहलाता है। तो यहाँ पे हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं, इसका हम सेक्रीफाई रेशियो निकाल रहे हैं। तो सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी, तो ए रेशियो ए का सेक्रीफाई कितना है 1/2 और बी का सेक्रीफाई कितना है 1/8। अब हम इसका क्या लेते हैं हमारे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमने कितना ले लिया 8 एलसीएम ले लिया। तो 2 की टेबल बोली हमने कि 8 आ जाए तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 आ गया, और 8 की टेबल बोलेंगे कि 8 आ जाए तो ये हमारे पास आया 1 आया। तो हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो कितना आ रहा है 4:1 आ रहा है सेक्रीफाई रेशियो। अब हम एंट्री करते हैं गुडविल की, हम एंट्री में चलते हैं कि वो कैश फ्लोट कर रहा है, कैश फ्लोट कर रहा है गुडविल के लिए तो कितना आ रहा है 20,000 और कैपिटल के लिए कितना ला रहा है वो 80,000। तो वही एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास जो गुडविल है, गुडविल जो कितनी ब्रोट कर रहा है वो 20,000 ब्रोट कर रहा है और कैपिटल कर रहा है हमारे पास 60,000। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 80,000 का। अब आगे चलते हैं, अब जैसे गुडविल केस ब्रोट हुई उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाई रेशियो में क्या कर लेंगे क्रेडिट कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर कौन है ए और बी है, तो यहाँ हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये हो गई हमारे पास 20,000। 20,000 को हमने 4:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो 20,000 हमारे पास है, 20,000 को 4:1 में जब डिवाइड किया तो हमारे पास 20 को काटा हमने तो ये आ गया 4 बार, तो 4 गया, ए का आ रहा है 16,000 और बी का आ रहा है 4,000। तो इस कंडीशन में किस हिसाब से सॉल्व हुआ क्वेश्चन आपके समझ में आया है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे। अगला एग्जाम्पल है ए रेशियो बी 3:2 सी आ रहा है, सी का पार्ट यहाँ दिया हुआ नहीं है और साथ ही साथ क्या कह रहा है सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/4 एंड फ्रॉम बी 1/16। अब बाद में आगे बात क्या कर रहा है कि सी केस रिसीव्ड या केस ब्रॉट केस फ्रॉड कर रहा है, इसलिए कर रहा है एक तो गुडविल, गुडविल के लिए हमारे ला रहा है 50,000 और एंड कैपिटल, कैपिटल के लिए ला रहा है ये 70,000। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है बिजनेस में, बिजनेस में ये क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में कि अपीयर गुडविल भी है,
ये आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अपियर गुडविल। अपियर जो गुडविल है वो हमारे पास है 30,000। अब आपके थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ तो केस ब्रोड था गुडविल केस ब्रोड है और उसके साथ कैपिटल है और साथ ही साथ क्या है गुडविल अपियर भी दी हुई है और यहाँ पे जो रेशियो की कंडीशन थी वो भी क्या हो गई थोड़ी चेंज हो गई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि जो ये गुडविल है केस ब्रोड गुडविल है उसको सेक्रीफाई रेशियो में पार्टनर्स के द्वारा क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो अब देखते हैं इस कंडीशन में कैसे सोल्व होगा, जबकि यहाँ सी का पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो किस हिसाब से सोल्व करते हैं, आपको बताया था पहले सॉल्यूशन में कि जो रिसीव कर रहा है उस शेयर को ओल्ड शेयर से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो फिर क्या कहलाएगा सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। तो 8 12 3/5 मल्टीप्लाई 4/1/4 तो ये आ गया हमारे पास 3/20। ऐसे ही किसका निकालेंगे हम बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड शेयर क्या जाएगा यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/16 तो ये आ गया 2/80। अब हम इसको क्या करेंगे फॉल करना पड़ेगा, फॉल किया तो हमारे पास क्या आ गया 3/20 रेशियो 2/80। हमने लिया 80 एलसीएम ले लिया, जब 80 एलसीएम लिया तो ये लिया कितनी बार 4 बार, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12 है और ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब इसका लिया हमने 1:6 ये रेशियो आ गया हमारे पास 1:6 आ गया हमारे पास और 1:6 तो आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं तो गुडविल को डिवाइड होगी, गुडविल वो कौन से रेशियो होगी इस रेशियो में यहाँ पे गुडविल को डिवाइड किया जाएगा। अब एंट्री में चलते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अपियर गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो क्या एंट्री जाएगी ये जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर ए और बी क्या कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में रिसीव कर लेंगे, रिटर्न ऑफ की एंट्री जाएगी तो जाएगी आप पे की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो अपियर गुडविल कितनी है यहाँ पे अपने पास 30,000, तो 30,000 को हमने कौन से रेशियो में डिवाइड किया 3:2 में जब डिवाइड किया इसको 3:2 में जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई ये आ गया 3000 3 into 2 तो हमारे पास 5 आ गया, ये आ गया 6 बार कट गया 6 3 18 और 6 2 12 है तो ये हमारे पास आ गए। अब ये गुडविल को हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दिया। अब रिटर्न ऑफ करने के बाद हम जो अपनी गुडविल लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी गुडविल दे रखी है, क्योंकि हमारे पास यह रेशियो आ रहा 6:1 हमने क्वेश्चन यहाँ क्या माना हमने एज्यूम्ड क्वेश्चन माना है, जब एज्यूम्ड क्वेश्चन माना है तो थोड़ा बचने में टफ आएगा तो हम इसको ये कर लेते हैं अपने 7 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन 1 ले कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम गुडविल को इसको केस ब्रोड लेते हैं, एंट्री क्या हो गई केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये किया हमने तो कैपिटल के रूप में कितने लाया था वो 1 लेख और गुडविल के रूप में कितने लाया वो 70,000 तो ये हो गया हमारे पास 1 लेख 70,000 ये एंट्रियों में ये आ गया केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब जैसे ही गुडविल बिजनेस में केस ब्रोड हुई ओल्ड पार्टनर इसको सेक्रीफाई रेशियो में क्या कर लेंगे क्रेडिट कर लेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी डेबिट कर देंगे रिटर्न ऑफ करने के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ये रेशियो सेक्रीफाई जो रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कौन सा रेशियो दिया हुआ है 6:1 और गुडविल हमारे पास कितनी है 70
थाउजेंड जब हमने इसको काटा या 6:1 में हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गई 60,000 और 10,000 आ गई। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आगे सोल्व किया जाएगा तो उनको ध्यानपूर्वक आप देखते रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वही गुडविल के लिए देखते हैं, इसको टैली करते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में पार्टनर है, जेड एडमिट हो रहा है 1/5 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। देखो क्या कंडीशन दे रखी है इसमें, ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन जब सी एडमिट होता है तो उस टाइम पे कह रहा है गुडविल वाज वैल्यूड एट 25,000 कि गुडविल की जो वैल्यू थी ना वो 25,000 थी सी के एडमिट के टाइम। ठीक है आगे बात करते हैं, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट टू हिज कैपिटल, सी अपने कैपिटल के लिए असेट को ब्रोट कर रहा है क्या क्या कर रहा है वो, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल और गुडविल के लिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, डेप्टर 10,000 बता रखा है और साथ ही क्या बता रहा है स्टॉक 15,000। फिर कह रहा है हमारे पास पास द जनरल एंट्री, तो ध्यान देना इस चीज में यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम ये देखो कि सी की गुडविल कितनी दी हुई है, पहले वर्किंग नोट कर लो फिर बाद में पता चल जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होगा। तो देखते हैं रेशियो कंडीशन क्या कहती है, रेशियो कंडीशन सिर्फ आपके सामने ही रेशियो के लिए यही कहा है कि एक्स और वाई 3:2 में है, जेड बिजनेस में एडमिट हो रहा है 1/5 पार्ट के लिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया कि जेड को एक्स और वाई किस शेयर में उसको अपना पार्ट टेकन करेंगे, उसको अपना पार्ट यू करेंगे, और न ही ये कहा गया है कि जेड एक्स और वाई से किस हिसाब से अपना पार्ट रेशियो करेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जेड एक्स और वाई से उनके ओल्ड रेशियो में क्या करेगा यहाँ पे वो टेकन करेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट केस आ रहा है, फर्स्ट केस में हम सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं अपनी जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में सैक्रिफाई रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ना सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकलेगा, अब सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको एज्यूम्ड करना पड़ेगा यहाँ पे कि तीनों का शेयर क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड। तो ये हो गया सॉल्व दैट टोटल शेयर इज 1, ये हमने एज्यूम किया कि टोटल शेयर कितना है 1 है। अब इसके बाद में ले लिया हमने कि जेड शेयर कितना ले लिया हमने 1/5 दे रखा है यहाँ पे 1/5 पार्ट दे रखा है। अब इसमें से हम क्या करेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या बैलेंस ऑफ शेयर 1 less 1/5। अब इसका जब एलसीएम लेके हल सोल्व किया इसको तो हमारे पास आया 4/5 पार्ट आया हमारे पास। इस पार्ट को वही जो पहले सोल्व कर चुके हैं हम पहले वाले वीडियो में, इस पार्ट को एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे रिसीव कर लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा वो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ आ रहा है न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, ए इक्वल ए का कैसे आ रहा है देखना कि ए कैसे ले रहा है यहाँ पे 4/5 को ले रहा है यहाँ पे 3/5 में ले रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 12/25। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का निकल जाएगा, बी का कैसे निकलेगा 4/5 पार्ट इंटू 2/5 से, तो बी का हो गया अपने पास 4/5 इंटू 2/5 8/25 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में जो जेड है जेड का शेयर देखते हैं कितना है, देखना सही हुआ एक्स और वाई और जेड, जेड का शेयर हमारे पास यहाँ पे 1/5 पार्ट है। एलसीएम लेके इसको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल किया हमने 12/25 रेशियो 8/25 रेशियो और 1/5 रेशियो, इसको सोल्व किया तो हमने एलसीएम कितना ले लिया पे 25 एलसीएम ले लिया, 25 लिया तो ये हमारे पास आया 12:8:5। तो एनपीएसआर हमारे पास क्या आ गया 12:8:5
5, ये आ गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, इसके बाद हम सॉल्व क्या करेंगे कि हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो क्या कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं आगे सैक्रिफाई रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब है हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सैक्रिफाई हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले अब क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं हमने, सैक्रिफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अक्ष अक्ष का ओल्ड पार्ट कितना है हमारे पास, अक्ष का ओल्ड पार्ट है 3/50 माइनस न्यू पार्ट, ये आ रहा है हमारे पास 12/25, तो ये आ गया हमारे पास 12/25। जब हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो एलसीएम हमारे पास आया 25, 5 की टेबल 5 बार बोली और जो 5 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 15, 25 को 25 से कट गया, ये आ गया हमारे पास 12 है, तो ये रेशियो हमारे पास आया, पार्ट आ गया 3/25। ऐसे ही हमने किसका लिया, वाई का लिया, तो वाई का क्या आ गया हमारे पास ओल्ड शेयर कितना आ रहा है यहाँ पे 2/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 8/25। जब हमने इसको आगे सोल्व किया एलसीएम लिया तो वही आ रहा है हमारे पास एलसीएम 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया टेबल बोली 5 बार तो 25 आया और जो 5 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास है 10/25 से 25 कट गया और यहाँ पे ये माइनस की क्या आ गया 8, तो ये आ गया 2/25। तो हमारे पास जो सैक्रिफाई रेशियो आ रहा है, सैक्रिफाई रेशियो क्या आया 3:2, ये रेशियो आ गया हमारे पास 3:2 आ गया। तो पहले कहा था आपको कि अगर उनके किस रेशियो में रिसीव करता है, ये कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रिसीव करेंगे और यही सैक्रिफाई आएगा। आप चेक कर सकते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे 3:2 और सैक्रिफाई रेशियो भी क्या है 3:2। अब हम आगे करते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट, देखना आगे अगला पॉइंट। इश्यू क्वेश्चन में आगे पॉइंट क्या कह रहा है, कि फ्रम की गुडविल हमारे पास यहाँ कितनी दे रखी है, फ्रम की गुडविल दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 25,000 फ्रम की गुडविल हमारे पास यहाँ दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सी की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। ये फ्रम की गुडविल है और फ्रम की गुडविल सी के पार्ट से निकलेगी तो यहाँ आ जाएगी सी इज गुडविल, तो सीज गुडविल कितनी है हमारे पास 25,000 इनटू उसका कितना पार्ट 1/5 पार्ट, तो 1/5 आया हमारे पास आया 5,000 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमें पता चल गया है कि जो वैल्यूएशन या कैलकुलेशन निकाला फ्रम की तो गुडविल थी कितनी 25,000 और जो जेड की गुडविल आ रही है वो कितनी आ रही है 5,000। तो हम ले लेते हैं इसमें से जेड का पार्ट कितना आया हमारे पास 5,000 आया ये। अब हम एंट्रिया करते हैं आगे, देखते हैं एंट्रियों में क्या होगा हमारे पास। तो जो जेड बिजनेस में आ रहा था सी कंट्रीब्यूटेड, उसने कंट्रीब्यूट किया फ्रॉम फॉलोइंग असेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल के लिए, डेब्टर ब्रॉड कर रहा है 10,000, स्टॉक ब्रॉड कर रहा है 15,000। तो जैसा कि ये डेब्टर और स्टॉक हमारी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है यहाँ पे डेबिट होता है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा यहाँ पे डेब्टर अकाउंट डेबिट, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, डेब्टर्स हमारे पास 10,000 और साथ ही साथ क्या है स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास 15,000। अब इसमें से जो गुडविल थी उसको कैलकुलेशन कितना हुआ था हमारे पास, गुडविल का जो 25,000 टोटल गुडविल थी उसके साथ जेड की गुडविल कितनी निकाली हमने 5,000, तो यहाँ आ गया 2 जेड से गुडविल अकाउंट, तो जेड की गुडविल कितने हमारे पास है
5000 आ गई हमारे पास जेड की गुडविल। अब जो बच गया जेड की गुडविल आई गई किसमें से, अब जो बच गया वो क्या बचेगा यहाँ पे जेड की कैपिटल बैलेंस निकलेगा यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा हमारे पास टू जेड, जेड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जेड से कैपिटल अकाउंट, तो जेड की कैपिटल कैसे आएगी, इन दोनों का टोटल क्या जाएगा डेबिट वाले का, तो डेबिट वाले का टोटल आया 25,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5,000, तो डिफरेंट अमाउंट है, तो डिफरेंट अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 20,000 आ गई हमारे पास, तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर के नाम से भी शो किया जा सकता है। तो ये हुई, अब जैसे ही गुडविल हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हुई, ओल्ड पार्टनर्स को अपने सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे, यानी रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एंट्री हो गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल कितनी आ रही है हमारे पास, गुडविल आ रही है हमारे पास 5000, तो सैक्रिफाइस रेशियो है ना, उस रेशियो में ये क्या कर लेंगे क्रेडिट कर लेंगे, जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है हमने कैलकुलेट कर लिया सैक्रिफाइस रेशियो, तो 5000 को जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3000 और 2000, ये हमारे पास एंट्री हो चुकी है। ये है हमारे पास इस हिसाब से एंट्री, इस हिसाब से वर्किंग नोट हुआ है, तो देखते हैं आगे टॉपिक क्या है, आगे आपको कैसे क्या समझ में आता है, देखते हैं आगे का टॉपिक। जैसा कि एक क्वेश्चन हम समझते हैं आज कि गुडविल का और किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने दे रखा है एक क्वेश्चन एग्जांपल, ए और बी बिजनेस में पार्टनर है या उनका शेयर नहीं दे रखा, और आगे देखते हैं कहीं क्वेश्चन में कोई नीचे शेयर दे दे, इनका रेशियो दे दे, तो क्या कहता है एज कैपिटल, ए की कैपिटल हमारे पास 15,000 और उसके साथ ही बी की कैपिटल हमारे पास 25,000, आगे क्या करें रिजर्व 10,000 है और वो कहाँ शो हमारे पास बैलेंस शीट में शो है। इसके बाद सी केस ब्रोट, सी जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है वो केस ब्रोट कर रहा है 25,000 और कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए बिजनेस में 25,000 केस ब्रोट कर रहा है। कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट, हमने गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखते हैं सॉल्व करते हैं कि गुडविल के अमाउंट कैसे हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ गुडविल के अमाउंट के लिए कहा गया है लेकिन गुडविल के अमाउंट नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब गुडविल के अमाउंट क्या है यहाँ पे, हिडन गुडविल है, यहाँ पे हिडन गुडविल है, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का फॉर्मूला था हमारे पास टोटल कैपिटल लेस देन एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल लेस देन एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पे ये आ गया कि टोटल कैपिटल लेस देन एडजस्टेड कैपिटल। अब ध्यान देते हैं कि टोटल कैसे कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ लेते हैं हम टोटल कैपिटल, कि टोटल कैपिटल को कैसे सोल्व किया जाएगा, तो देखना टोटल कैपिटल कैसे सोल्व किया जाएगा, इसमें बताया था कि बैलेंस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है यहाँ पे 25,000 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसके शेयर से, उसका शेयर कितना है यहाँ पे, सी का शेयर हमारे पास एडमिट हो रहा है तो सी का शेयर हमारे पास नहीं दे रखा कि सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो सी का शेयर नहीं दे रखा, तो सी का शेयर भी नहीं है, ए और बी का शेयर भी नहीं है, तो मान लेते हैं ए और बी का शेयर कितना आता है, नहीं दिया हुआ तो 1:1 रेशियो आता है, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है ए और बी का ओल्ड रेशियो तो 1:1 रेशियो आएगा और न्यू रेशियो भी कितना आएगा 1:1 रेशियो, सैक्रिफाइस भी कितना आएगा इसमें 1:1, तो न्यू रेशियो 1 रेशियो आ गया, तो यहाँ पे आ गया सी का 1/3, इसको अपोजिट कर देंगे 3:1, तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई 75,000 आ गई गुडविल के टोटल कैपिटल। अब लेंगे हम एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पे एडजस्टेड
कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल क्या लिया था हमने, कैपिटल के बैलेंस को टोटल कर दिया था, और हमारे पास कोई प्रॉफिट था उसको प्लस कर दिया था, हमारे पास कोई रिजर्व था उसको प्लस कर दिया था, और लॉस को क्या कर दिया था हमने माइनस कर दिया था। तो यहाँ देखते हैं कैपिटल, तीनों ही कैपिटल लेते हैं, पहले ए की कैपिटल ले ली 15,000 प्लस बी की कैपिटल ले ली 25,000 प्लस जो रिजर्व था उसको ले लिया हमने 10,000 ठीक है, प्लस जो सी की कैपिटल आ रही है हमने उसको ले लिया 25,000 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखा हमने तीनों को जो हमने जोड़ा तो ये आ गया 25 और 25 50, ये 60 और ये 75,000। तो ये आ गया हमारे पास हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। तो क्या आ गई टोटल कैपिटल हमारे पास 75,000 लेस देन एडजस्टेड कैपिटल कितने है हमारे पास 75,000। तो यहाँ पे जो हिडन गुडविल आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे नील बटा नील आ रही है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ ध्यान रखें मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद में जो सामने आपको बेल आइकन दिख रही है उसको भी आप पुश कर दें, उसको दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके और आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।